नोटबंदी के दो साल पूरे होने पर कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन करेगी। नोटबंदी को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे क्रूर षड्यंत्र बताया। राहुल गांधी ने कहा कि इससे 15 लाख लोगों की नौकरी गई और जीडीपी 1% घटी। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इनकम टैक्स देने वालों की बड़ी संख्या से नोटबंदी को जोड़कर इसका बचाव किया। नोटबंदी के दो साल पूरे होने पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने लिखा, नोटबंदी सोच समझकर किया गया एक क्रूर षड्यंत्र था। ये घोटाला प्रधानमंत्री के सूट बूट वाले मित्रों का काला धन सफेद करने की एक धूर्त स्कीम थी। इस कांड में कुछ भी मासूम नहीं था। इसका कोई भी दूसरा अर्थ निकालना राष्ट्र की समझ का अपमान है। देश को गुमराह कर रहे हैं। दो साल तक तो ये आरबीआई के माध्यम से देश को और पार्लियामेंट को बता नहीं पाएंगे कितना रुपया जमा हो गया है। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी। प्रधानमंत्री जवाब दे, आपने नोटबंदी का फैसला क्यों किया, उसका फायदा क्या मिला। आपने कहा तो मुझे चौराहे पे खड़े होकर लटका देना। जो वित्त मंत्री कहें फिर वित्त मंत्री कर ही रहे ना, जो कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं देश का क्या हाल हो गया है। विपक्ष के आरोप को उनको लगाने का अधिकार है, लेकिन एक बात जो आज अरुण जी ने बहुत विस्तार से कहा है कि नोटबंदी में जो पैसे आए हैं उन सारे पैसों का एक मालिक है और उनको टैक्स देना है। तो ये तो एक प्रकार से भारत की पूरी इकोनॉमी को पारदर्शी करने की प्रक्रिया है। अब कुछ लोग अपारदर्शी इकोनॉमी में रहने के शौकीन हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तमिलनाडु में तमिल एक्टर विजय की फिल्म सरकार का विरोध तेज हो गया, क्योंकि राज्य सरकार के कुछ मंत्रियों ने फिल्म में पूर्व सीएम जयललिता की योजनाओं को गलत तरीके से दिखाने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद AIADMK से जुड़े लोगों ने फिल्म सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और चेन्नई समेत कई शहरों में फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए गए। इस फिल्म में एक्टर को सत्ताधारी दल से मोर्चा लेते दिखाया गया। तमिलनाडु सरकार ने इस फिल्म के जरिए हिंसा को बढ़ावा दिए जाने का आरोप लगाया। यही नहीं, तमिलनाडु के लॉ मिनिस्टर CV षणमुगन ने तो फिल्म में एक्टर विजय के काम की तुलना आतंकवादियों से कर दी। इसके साथ ही तमिलनाडु सरकार के कुछ मंत्रियों ने फिल्म से पूर्व सीएम जयललिता की इमेज खराब करने वाले सीन नहीं हटाए जाने पर फिल्म बनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी वार्निंग दी। दिल्ली के बवाना इलाके की मुनक नहर में गिरी एक गाय को कुछ पुलिस वालों ने रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया। चश्मदीदों के मुताबिक नहर में गिर गया ढलान की नहर में गाय ढलान की वजह से गिर गई और उसके बाद नहर के किनारे पक्की ढलान से किसी जानवर का निकलना तो दूर, इंसान भी निकल नहीं पाता। क्योंकि नहर के किनारे पक्की ढलान से किसी जानवर का निकलना तो दूर, इंसान भी नहीं निकल पाता, इसलिए आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस वाले रस्सी के सहारे नहर में कूदे और गाय को निकालने की कोशिश करने लगे। रेस्क्यू के दौरान गाय को रस्सी के सहारे पहले धीरे धीरे किनारे लाने की कोशिश की जाने लगी। हालांकि इस दौरान पुलिस ने क्रेन भी बुला ली थी, जिसके सहारे गाय को नहर से बाहर निकाला जा सका।